मैं हूँ योशु मायापुरी, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। क्रिकेट के फैंस के लिए वर्ल्ड वाइड काफी शॉकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। एज फॉर्मर क्रिकेटर शेन वार्ने की डेथ हो चुकी है। थाईलैंड में उनकी डेथ हुई थी और वो सिर्फ 52 इयर्स के थे। डेथ का जो रीजन है वो सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। इसी के चलते कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उनके डेथ को मौन किया। अक्षय कुमार ने लिखा, स्पीचलेस टू नो अबाउट शेन वार्नेस अनटाइमली पासिंग। यू कुड नॉट हैव लव्ड द गेम ऑफ क्रिकेट विदाउट बीइंग इन कंप्लीट ऑ ऑफ दिस मैन। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग। ओम शांति। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने एक इमोशनल नोट लिखा, शेन वार्ने के साथ पिक शेयर करते हुए। रणवीर सिंह, अजय देवगन, विराट कोहली, हुमा कुरैशी, रोहित शर्मा और भी कई सारे स्टार्स ने शेन वार्ने को याद किया। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने क्रॉस कर लिया है 100 करोड़ का मार्क वर्ल्ड वाइड। बता दें कि अपने फर्स्ट वीक ऑफ रिलीज में ही आलिया भट्ट की फिल्म ने 100 करोड़ का मार्क क्रॉस किया। एज पर रिपोर्ट्स बता दें कि इस फिल्म का जो ग्रॉस है वो 108 करोड़ हो चुका है सोफा। डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली, इस फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन, विजय राज और शांतनु महेश्वरी नजर आ रहे हैं। और ये फिल्म जो है एक लाइफ जर्नी के बारे में है। गंगूबाई की रियल लाइफ स्टोरी को पोर्ट्रे करता है ये फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट ने गंगूबाई का किरदार बहुत ही अच्छे से और बखूबी से निभाया है। सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें हम एक्टर सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा को शादी करते हुए देख सकते हैं और नेटिजन्स ने क्लियरली पॉइंट किया कि ये जो पिक्चर है फेक है और बहुत बुरी तरह से फोटोशॉप की गई है। अब फाइनली सोनाक्षी सिन्हा ने इस पिक पर रिएक्ट किया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उन्होंने ये इमेज शेयर की और उन्होंने साथ में उन लोगों को डम बुलाया जिन्होंने इस पिक पर बिलीव कर लिया। उन्होंने लिखा, आर यू सो डम दैट यू कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड अ मॉर्फ्ड पिक्चर। काफी नेटिजन्स ने इस पिक्चर को देखकर इस पिक्चर को ट्रोल भी किया। बॉलीवुड मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक स्टाइलिश अपीयरेंस दिया एयरपोर्ट पर। बता दे कि शाहरुख खान स्पेन के लिए रवाना होने जा रहे थे जब उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक्टर को यहां ब्लैक टी शर्ट विद कूल ब्लू जैकेट एंड ब्लैक पैंट्स में देखा गया। एक्टर ने ब्लू कलर का बेंडाना और ब्लैक शेड्स भी पहने थे जो पैपराजी ने उनको क्लिक किया। ऐसी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आउट हुई हैं एयरपोर्ट से। इसके अलावा जॉन अब्राहम को भी अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस फिल्म को हेल्म किया जा रहा है सिद्धार्थ आनंद द्वारा और ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से शाहरुख खान का बिग बॉलीवुड कमबैक होने जा रहा है। रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर वरुण शर्मा ने किक स्टार्ट कर दी है अपकमिंग अवेटेड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ फुकरे फ्रेंचाइजी। लेकिन फैंस को ऐसा लग रहा है कि जफर आका अली फजल इस फिल्म में नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि अली फजल ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर दिया है एज वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है अपने वर्क स्केड्यूल के चलते। और वहीं एक न्यूज़ पोर्टल से पता चला है कि अली काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट खुफिया को लेकर, जिसकी वजह से उन्होंने फुकरे 3 से ड्रॉप आउट कर दिया। इसके अलावा अली जो हैं वो प्रमोशंस में भी बिजी चल रहे हैं डेथ ऑफ द नाइल के, और उनका काफ़ी टाइट स्केड्यूल चल रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। संजय लीला बंसाली और सलमान खान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहे हैं। जब से सलमान खान और संजय लीला बंसाली काम करने वाले थे फिल्म इंशाल्लाह में, इस फिल्म में आलिया भट्ट भी काम करने वाली थी और फैंस ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश हो गए थे। लेकिन ये फिल्म शेल्फ कर दी गई। इसके बाद सलमान और संजय लीला बंसाली के रिलेशंस इतने खास नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं अपने रिलेशन के बारे में बात करते हुए संजय लीला बंसाली ने सलमान खान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सलमान एक बहुत ही डियर फ्रेंड है उनके और वो काफ़ी टाइम से सलमान के साथ काम करना चाहते थे जब से उन्होंने पद्मावत में काम कंप्लीट किया था और वो काफ़ी बेस्ट ट्राई कर रहे थे सलमान खान के साथ काम करने के लिए। लेकिन काफ़ी रीजंस की वजह से वो चीज़ हो नहीं पाया और लोग चेंज हो जाते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट किया कि अब इंशाअल्लाह आगे भी नहीं बन सकती। राधे श्याम स्टारिंग प्रभास और पूजा हेगड़े वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है इस साल का। वेल बता दे कि ये फिल्म
हिंदी और तेलुगु में शॉट किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म वेरियस लैंग्वेजेस में रिलीज होगा, जैसे कि तमिल, मलयालम और कन्नड़ा। बता दें कि राधे श्याम जो है 11 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। ये एक पीरियड रोमांटिक फिल्म है जिसके लिए सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और वहीं इस फिल्म का एक मिनी रिव्यू सामने आ चुका है। उमेर साधु ने इस फिल्म का रिव्यू दिया। उन्होंने कहा, डन फर्स्ट हाफ ऑफ राधे श्याम, आउटस्टैंडिंग VFX यूज्ड इन दी मूवी, प्रभास एंड पूजा'स केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रिफाइंग, मिस्ट्री कंटिन्यूज इन राधे श्याम, व्हाट अ यूनिक सब्जेक्ट। बॉलीवुड एक्टर्स करीना कपूर खान और काजोल दोनों सिमिलर लोकेशन में शूट कर रहे थे मुंबई में। थर्सडे के दिन दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए और वहीं वो कलर कोऑर्डिनेटेड भी थे। यहां पर पैपराजी ने उनको स्पॉट किया एक दूसरे से बात करते हुए, जहां एक्टर्स ने अपने लाइफ के बारे में बात की, साथ ही में COVID-19 और बच्चों के बारे में बात की। इसके अलावा करीना कपूर खान ने डिस्क्लोज किया कि उनकी बहन करिश्मा कपूर हाल ही में पॉजिटिव पाई गई हैं COVID-19 के चलते। काजोल ने कहा, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इज योर न्यू बेबी, और करीना ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ओ गॉड, ही इज ऑलरेडी अ ईयर। बता दे कि जे 21 फरवरी को एक साल के हो चुके हैं। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से लाइव टॉक्स करते हुए नजर आए। आलिया भट्ट और रामचरण दोनों स्क्रीन पे शेयर करते हुए नजर आएंगे मच अवेटेड फिल्म RRR में। लेकिन उससे पहले उनका एक एड फिल्म जो है वो रिलीज हो चुका है फ्रूटी के लिए। रामचरण को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है फ्रूटी का, साथ में आलिया भट्ट भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नजर आ रही हैं। दोनों के कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें दोनों फ्रूटी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। एक्टर रामचरण ने स्टेट किया, आई एम थ्रिल्ड एंड डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्ले एग्रो फैमिली एंड टू बी एसोसिएटेड विद इंडियाज आइकॉनिक एंड एवरग्रीन यूथ ब्रांड फ्रूटी। इट्स बिन माई ऑल टाइम फेवरेट मैंगो ड्रिंक एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट एंड कलरफुल वर्ल्ड ऑफ फ्रूटी फॉर द एड वॉज रियल। आई कैन वेट फॉर एवरी वन टू वॉच द अपकमिंग कैंपेन एंड फील द सेम एक्साइटमेंट एज आई डू। नेटफ्लिक्स ने अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, फिल्म कत्ल। वेल बता दें कि इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा और अनंत जोशी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग को एक हफ्ता हो चुका है। ये फिल्म एक वुमेन लेड कॉमेडी ड्रामा है जो कि एक स्मॉल टाउन में सेट है और एक लोकल पॉलिटिशियन के बारे में बताता है। वेल बता दे कि सानिया मल्होत्रा जो है वो एक यंग पुलिस ऑफिसर की किरदार निभाती हुई नजर आएंगी, महिमा के रोल में नजर आने वाली है। और इस फिल्म से उनका लुक भी आउट हो चुका है जिसमें वो ये लुक को काफी ज्यादा ओन करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ पिक्चर्स आउट हुई हैं इस फिल्म से। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।